ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रदेश में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में शहीद मेमोरियल का किया लोकार्पण। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने दुर्ग सहित देश भर में आज किसानों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और CISF आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोप में दुर्ग पुलिस ने दो लोगों को आगरा से किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नानगुर में श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार नगरनार में स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नानगुर में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली, साथ ही ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नानगुर को तहसील बनाने, सहकारी बैंक की शाखा और महाविद्यालय खोलने, पुलिस थाना स्थापित करने तथा नानगुर में एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसी तरह मुख्यमंत्री ने नगरनार में डिग्री कॉलेज खोलने, नेतानार, पनारापारा, भैरमगंज, बांडापारा, पोड़ागुड़, धनपूंजी और तुरेनार में हाईस्कूल का उन्नयन हायर सेकेंडरी स्कूल में करने और जगदलपुर शहर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना करने का ऐलान किया। श्री बघेल ने कहा कि कनकापाल से लेदा और झीरम से इलमनार तक सड़क बनाई जाएगी। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुटुम्बसर पर्यटन समिति को 15 जिप्सी गाड़ी दी जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि दोरनापाल, कुकनार और तुंगपाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। वहीं आदिवासी क्षेत्रों के आत्मानंद स्कूलों में हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पहली बार नेशनल पार्क एरिया में वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने की घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने नानगुर में हिंगल माता गुड़ी परिसर में हिंगल माता, परदेशिन माता और लोजार माता की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने करीब 5 करोड़ रूपये की लागत से देवगुड़ियों के सौन्दर्यीकरण और अन्य विकास कार्यो का भूमि पूजन किया। प्रदेश में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों में झीरम घाटी हमले में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर के लालबाग मैदान में शहीद मेमोरियल का लोकार्पण कर झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीदों की याद में लगभग 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और मेमोरियल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम घाटी में 32 शहीदों की याद में मेमोरियल स्थापित किया गया है। ये मेमोरियल लोकतंत्र पर सबसे बड़े हमले में शहीदों की याद में आम जनता को समर्पित है। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में माओवादी हिंसा में कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा सहित कई नेता और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। राज्य में शहीदों के बलिदान की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। इधर विधानसभा सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों की याद में पुस्तक का विमोचन किया। राजभवन सचिवालय, मंत्रालय और राज्य निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न जिला कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने झीरम घाटी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने राज्य में अहिंसा और सहनशीलता पर दृढ़ विश्वास रखते हुए माओवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ ली। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में 2 मिनट का मौन रखकर झीरम घाटी सहित अन्य माओवादी घटना में शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर देशभर में किसानों के साथ बैठकर टिफिन पर चर्चा की। मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसान मोर्चा के जिला और मंडल पदाधिकारियों ने अपने अपने घरों से टिफिन ले जाकर निर्धारित स्थानों में किसानों के साथ बैठकर भोजन के दौरान उनकी समस्याएं सुनी। इसी कड़ी में मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने दुर्ग जिले के किसानों से टिफिन पर चर्चा की। इस दौरान वर्मी कम्पोस्ट खरीदने की बाध्यता खत्म करने,
और खाद की कालाबाजारी रोकने के संबंध में चर्चा की गई। टिफिन पर चर्चा के दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल राजभवन में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और उन्हें अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में अमानक वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और आपूर्ति की समस्या तथा किसानों को बोनस राशि वितरण को लेकर राज्यपाल से चर्चा की और संबंधित समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जब मीडिया जगत में विश्वास और प्रामाणिकता की बात आती है तो आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे होता है। मंत्रालय के अनुसार रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है। आकाशवाणी समाचार नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त उपलब्धि से भी इसकी पुष्टि होती है। मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी समाचार ने हाल ही में ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मंत्रालय ने कहा कि बदलते समय के साथ आकाशवाणी समाचार ने अधिक से अधिक श्रोताओं, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंच बनाई है। मंत्रालय ने कहा कि न्यूज ऑन AIR ऐप आकाशवाणी के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने इस उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने आकाशवाणी भवन में सोशल मीडिया टीम से मुलाकात की और उनसे अपनी रचनात्मक भावना के साथ नई ऊंचाइयों को छूने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि यह सामूहिक कार्य का परिणाम है और लोगों के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कल 26 मई को और प्रदेश कार्य समिति की बैठक 27 मई को रायपुर में होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोप में दुर्ग पुलिस ने 2 लोगों को आगरा से गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरोह के मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। ये लोग आरक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदक के स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर घटना को अंजाम देते थे। जांजगीर चांपा जिले से मजदूरी के सिलसिले में झारखंड गए 31 श्रमिकों को कथित रूप से लातेहार में ठेकेदार ने बंधक बना लिया था। इस मामले की जानकारी मिलने पर जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने लातेहार जिला प्रशासन से संपर्क कर उन श्रमिकों को छुड़वाने की पहल की। इसके बाद सभी श्रमिकों को सकुशल छुड़ा लिया गया है और वे अपने गृहग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं। भुवनेश्वर में आयोजित सीनियर नेशनल इंडियन ब्रांड प्री चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ वर्ग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर निवासी आयुष दाबास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस समय आयुष दाबास कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय एथलेटिक्स दल के सदस्य के रूप में केरल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वहीं जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे क्रॉस कंट्री दल में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर निवासी दिनेश का चयन किया गया है। वे 13 से 16 जुलाई तक बर्लिन में आयोजित वर्ल्ड रेलवे क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भाग लेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिणी ओडिशा और उसके आसपास स्थित है। वहीं एक द्रोणिका बिहार से उत्तर आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज विश्व थायराइड दिवस है। थायराइड रोग, उसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से हर वर्ष 25 मई को यह दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कल 26 से 29 मई तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री के अल्पसंख्यक कल्याण संबंधित 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई। गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक जेआर ठाकुर ने 11 थाना प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। प्रदेश में शासकीय नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर मुंगेली जिले में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में बीती रात कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शिक्षक की मौत हो गई। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। इस क्षेत्र में 11 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने बिजली कंपनी के एटीपी मशीन को काटकर 10 लाख रुपए चोरी करने के मामले में पूर्व ठेकाकर्मी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 8,65,000 रुपए बरामद किए गए हैं। कोंडागांव जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 74 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जाती है। और रायपुर जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 50,000 रुपए कीमत का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रदेश में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में शहीद मेमोरियल का किया लोकार्पण। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने दुर्ग सहित देश भर में आज किसानों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और सीआईएसएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोप में दुर्ग पुलिस ने 2 लोगों को आगरा से किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।